Pisces, hi! स्वागत है आपका आपकी वीकली गाइडेंस में। यह है सितंबर 4th टू सितंबर 10th। ये जो नया वीक हमारे लिए आ रहा है, इसमें कौन सी एनर्जीज आपके इर्द गिर्द रहेंगी और कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं जिन्हें आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, प्लस कौन सी ऐसी गाइडेंस है जिसको आप अपने जीवन में अप्लाई करके अपने जीवन को निखार सकते हैं, हम इस रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ गाइस, अगर आपका सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन प्लस आपका नॉर्थ नोड अगर मीन राशि में है, पाइसिस साइन में है, तो ये जो रीडिंग है आप लोगों के लिए है। तो शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग को। चक्रा विजडम ओरेकल कार्ड, बहुत ही खूबसूरत डेक। देखते हैं पहला कार्ड, एक्सपेंशन। वाओ, एम्प्रेस कार्ड की एनर्जी है यहाँ पर, वेरी नाइस। तो ये जैसे एक हफ्ता काफी, जैसे आपको ऐसा आभास होगा, आपको जैसे ऐसा फील होगा इस हफ्ते के दौरान कि आपके एंजल्स, आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, जिस भी शक्ति में आप विश्वास रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर एम्प्रेस है तो मुझे जगदम्बे माँ जैसे वो शक्ति भी नजर आ रही है। तो जैसे वो सब आप जैसे वो आपके इर्द गिर्द वो एनर्जी रहेगी और आपको इसका आभास भी होता रहेगा, कोई ना कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपको होते रहेंगे इस हफ्ते के दौरान जिसके साथ आपको लगेगा कि हाँ, भगवान आपके साथ हैं, जिस शक्ति में भी आप विश्वास करते हैं वो आपके साथ है। क्यों? क्योंकि आप सही रास्ते पर हैं, आप कोई भी गलत काम नहीं कर रहे, आपका मन मैला नहीं है, इसलिए वो जो ये रोशनी है ना, वो आप महसूस करेंगे इस हफ्ते के दौरान। काफ़ी पावरफुल चेंजेस भी देखने को मिल सकते हैं। ये देख रहे हैं जैसे वो मुंह से जैसे कुछ एंजल कर रहा है, जैसे कि वो धूल जमी हो गई, उस धूल को हटाने की कोशिश कर रहा है। तो आपकी लाइफ में जैसे कोई चेंजेस भी आ सकते हैं। एम्प्रेस कार्ड की एनर्जी है तो जैसे किसी नई चीज़ को जन्म देना, प्रेगनेंसी की ओर भी इशारा करता है। और ये सिर्फ प्रेगनेंसी में सिर्फ वो, ये ऐसा नहीं है कि बच्चा, कोई प्लान भी हो सकता है, कोई आइडिया हो सकता है, क्रिएटिविटी की ओर भी ये कार्ड बहुत ध्यान देता है। तो बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है यहाँ पर, बहुत ही खूबसूरत और काफ़ी एक मच्योर एनर्जी, एक मच्योर एनर्जी, बड़े बुजुर्गों की कोई हिदायत हो सकती है ऐसी, जिसको आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं इस हफ्ते में और आपके जीवन में काफ़ी बड़ा चेंज आ सकता है। तो बहुत खूबसूरत एनर्जी है यहाँ पर। आपका देखते हैं नेक्स्ट कार्ड, द स्टार सीड ओरेकल, भी इंतहा खूबसूरत डेक। वी हैव डबल मिशन, लाइट वर्कर स्टार सीड, सर्व द वर्ल्ड बाय बीइंग यू। Just be you, Pisces, just be you. आप जो हैं, जैसे हैं, मन से, तन से जैसे हैं, अपनी पावर को महसूस कीजिए। दूसरों को, खुद को नीचा दिखाने की कोशिश जो अगर कई लोग करेंगे ना, तो उनको वो हिम्मत नहीं देनी आपको। आपको अपनी पावर में स्टैंड रहना है और अपने आप को वैसा ही दिखाना है जैसे हैं आप हैं, द रियल यू। यहाँ पर लाइट वर्कर की एनर्जी है तो मुझे इससे जैसे ह्यूमैनिटेरियन एनर्जी, वो जो बड़े बुजुर्गों के लिए कुछ करना चाहते हैं, अनाथ बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं, वृद्धाश्रम, डॉग्स के लिए कुछ करना, तो लाइट वर्कर्स जो होती है वो ह्यूमैनिटेरियन एनर्जी होती है। तो आप में से डेफिनेटली बहुत सारे लोग अपने लाइफ पर्पस के साथ भी अलाइंट रहेंगे, जो आप सच में दिल से करना चाहते हैं, जिन चीज़ों से आपको खुशी मिलती है, वो चीज़ें आप इस हफ्ते के दौरान जो है एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सर्व द वर्ल्ड बाई बींग यू, तो सर्विस, आप में से डेफिनेटली बहुत सारे लोगों का कोई ऐसा प्लान है इस क्वारंटाइन के दौरान। शायद आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग तकलीफ में हैं, जो अच्छे से उनके घर में खाना नहीं मिल पा रहा, कई लोगों को काम नहीं है, राइट? तो अगर आपका कोई ऐसा प्लान है कि जिससे कि आप उन लोगों के लिए कुछ करना चाहते, तो ये हफ्ता बहुत अच्छा है उस प्लान को एग्जीक्यूट करने का। और ये देखिए ये कैसे बहुत ही सुंदर तरीके से सजी हुई है और कैसे ये, मतलब कि कितनी अलाइंड है अपनी हायर सेल्फ के साथ। ये जो कॉस्मोस है ये इसकी हायर सेल्फ है और ये आंखें बंद करके जैसे मेडिटेशन की स्टेट में हो, मेडिटेटिव स्टेट में हो, और ये अपनी हायर सेल्फ के साथ अलाइंड है और उसे वहाँ से जैसे इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो काफ़ी स्पिरिचुअल, काफ़ी एक्सपेंशन यहाँ पर भी, जैसे स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं आप, जो आपका लाइफ पर्पस है बेसिकली, यहाँ पर मुझे लाइफ पर्पस नज़र आ रहा है। जो भी आपका लाइफ पर्पस है, जैसे आप उससे अलाइन रहेंगे इस हफ्ते के दौरान। लाइट वर्कर की एनर्जी, ब्यूटिफुल एनर्जी। कोई ऐसी चीजें आपको इस हफ्ते के दौरान ट्रिगर कर सकती हैं जिससे कि वो मुझे रैबल एनर्जी भी देखने को मिल रही है इस कार्ड से, कि जैसे कोई ऐसी चीज होगी, कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो सकता है आपके साथ कि जो आपको ट्रिगर करेगा, आपके इमोशंस को ट्रिगर करेगा, और उसकी वजह से भी ना आप अपने लाइफ पर्पस के साथ जुड़ सकते हैं। जैसे मुझे कोई रैबल, जैसे इंकलाब, जिंदाबाद, ऐसी कुछ एनर्जी मिल रही है। आई डोंट नो व्हाई,
बट इट्स वेरी ब्यूटिफुल, काफी फ्रूटफुल एनर्जी लग रही है, जैसे कि बहुत एक्सपेंशन, यू नो, अबंडेंस जिसे कहते हैं। और अबंडेंस का यहाँ मतलब सिर्फ पैसे के रूप में नहीं, अबंडेंस का अपना स्वरूप है, आप उसे किस नजर से देखते हैं वो एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, आपका टैरो कार्ड देख लेते हैं। ओह माय गॉड, टू ऑफ कप्स। तो कुछ लोगों के लिए जो भी एनर्जी है वो उसमें आपका पार्टनर, आपका आपका जो लव इंटरेस्ट है, आपका लाइफ पार्टनर, आप जिसके साथ आपकी शादी हुई है, या जो आपका कोई बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है, तो ये काफ़ी उन ये जो भी एनर्जी है आप दोनों साथ में महसूस करेंगे। ये जो भी एक्सपीरियंसेस होंगे उसमें आप दोनों की इन्वॉल्वमेंट होगी, साथ में चीज़ों को एक्सपीरियंस करना। और ये हैप्पी एक्सपेंशन, यू नो, हैप्पी एनर्जी है ये, तो साथ में मिलकर खुशी को महसूस करना और चीजों को मैनिफेस्ट भी करना। क्योंकि जो एम्प्रेस है और ये हैरोफेंट की एनर्जी है, तो पावरफुल कार्ड, यिन एंड यांग, यू नो, जैसे कुछ बनाना, कुछ नया बनाना, कोई नई चीज को जन्म देना। और यहाँ पर भी देखिए, ये दो कप्स हैं, ये दोनों एक दूसरे को कप दे रहे हैं, तो एक दूसरे के साथ कोई एक्सचेंज कर रहे हैं चीज़ें जैसे। तो अगेन गाइस, ये तो या तो बहुत रोमांटिक रहेगा कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए ये ऐसा रहेगा कि आप कोई नया बिजनेस या कोई नया आइडिया है, साथ मिलकर काम कर सकते हैं। सोलमेट की एनर्जी है यहाँ पर बेसिकली, क्योंकि टू ऑफ कप्स है, काफी रोमांटिक रहेगा काफी रोमांटिक रहेगा ये हफ्ता मेरे पाइसिस के लिए। वाटर साइन है तो ऑब्वियसली काफी रोमांटिक होते हैं पाइसिस। लेकिन यहाँ पर टू बी ऑनेस्ट, रोमांस के साथ साथ मुझे कुछ बड़ा, जैसे करियर में, जैसे सिर्फ प्यार ही तो नहीं है, जैसे कि हम कहते हैं ना कि सिर्फ प्यार ही तो नहीं है सब कुछ, जैसे वो बाकी की चीज़ों पर भी आपका ध्यान जो है वो रहेगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, सिर्फ लव पर फोकस नहीं है, हालांकि ये सेंटर पे हमारे कार्ड है, तो लव तो रहेगा, रोमांटिक चैट्स होंगी, बातें होंगी, प्यार भरी बातें होंगी, यू नो, एवरीथिंग। बट जो बाकी की चीज़ें हैं, करियर, एक्सपेंशन, स्टेटस, जिंदगी के जो अर्थ हैं उनको समझने की कोशिश करना साथ में, तो वैसी एनर्जी है यहाँ पर। आपका मूनोलॉजी ऑरेकल कार्ड देखते हैं। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, न्यू मून इन कैंसर, कर्क राशि के, अगेन वाटर साइन, किसी कर्क राशि के साथ भी आपका लिंकअप हो सकता है। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, अगर आपको रिसेंटली कोई ऐसा लग रहा है कि कोई आपकी तरफ बुरी नजर भेजने की कोशिश कर रहा है या आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, दिस इज अ कन्फर्मेशन कि जो आपके एंजल्स हैं वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, आप सुरक्षित हैं, आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। ये जो भी बुरी नजर भी कोई लगाने की अगर कोशिश कर रहा है ना, उसका खुद का कर्मा उससे काटेगा। आप सेफ हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर ये कोई ऐसा प्लान है जिसमें आपको थोड़ी सी इनकरेजमेंट की ज़रूरत है, लेकिन आसपास के जो लोग हैं, आपके दोस्त या फैमिली, वो इतना विश्वास नहीं दिखा रहे हैं आप में, तो ये उन लोगों के लिए भी कन्फर्मेशन है कि आपके एंजल्स, क्योंकि यहाँ एम्प्रेस की एनर्जी है गाइस, तो एम्प्रेस तो है, आपको पता होगा, वो लग्जेरियस चीज़ें, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, गुड हेल्थ, गुड कर्मा, गुड लक, उसकी निशानी है वो। तो वो आपके एंजल्स आपसे यही कह रहे हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, अगर दुनिया वाले आपकी आप में इतना विश्वास नहीं दिखा रहे, लोग आप में इतना विश्वास नहीं दिखा रहे, लेकिन हम दिखा रहे हैं, हमें आप पर विश्वास है कि आपका ये जो भी मिशन है, आपका जो भी प्लान है, हम उसमें आपको सपोर्ट करते हैं और आप उसमें सफल रहेंगे। ये तो वैसी एनर्जी है ये जैसे अभी सीड स्टेट होती है ना, कि हाँ अभी बीज बोने वाली स्टेट है, अभी ये वृक्ष नहीं बना, अभी ये बड़ा सा बाग बना नहीं है। और क्योंकि ये सिर्फ ये हर कोई नहीं देख सकता अपने विजन में, ये आपका विजन है, ये आंखें बंद करके देख रही हैं, हाँ मुझे विजन की, जैसे आप आंखें बंद करके वो विजन रेडी कर रहे हैं कि आपका फ्यूचर ऐसा होगा, और वो सिर्फ अभी आप देख सकते हैं, जो आपके आसपास के लोग हैं, आसपास के जो आपके दोस्त हैं, वो नहीं देख पा रहे, इसलिए वो इतना विश्वास भी नहीं दिखा पा रहे आपके इस प्लान में। लेकिन आपको पता है कि आपका विजन बहुत बड़ा है और इसमें बहुत सारे फल लगेंगे, ये जो भी बीज आप बोने चाहते हैं इस वृक्ष में बहुत बड़े, बहुत सुंदर फल लगेंगे। और ये कन्फर्मेशन है गाइस, आई एम टेलिंग यू, ट्रस्ट मी, ये कन्फर्मेशन है आपके लिए कि आपका जो भी प्लान है वो सक्सेसफुल रहेगा। अगर ये रिलेशनशिप में, शादी के बारे में भी है, तो उसमें भी आप सक्सेसफुल रहेंगे डेफिनेटली। फाइनल गाइडेंस देखते हैं आपकी। ओ माई God, the wheel. Wow. Okay. Confirmed, guys. Confirmed.
ढोलक बजा रही हूँ मैं, देखो मैं आपके लिए, क्योंकि सेलिब्रेशन का टाइम है. गुड कर्मा, डेस्टिनी, दिस इज डेस्टिन, समथिंग जो डेस्टिन चीज़ें होती हैं. लाइट वर्कर की एनर्जी है तो डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये लाइफ पर्पस है. कुछ ना कुछ ऐसा ट्रिगर करेगा आपको जिसकी वजह से आप अपने लाइफ पर्पस के साथ अलाइन हो जाएंगे और ये डेस्टिन चेंज है. ये चक्र घूमेगा, ये देखिए वो कैसे चक्र घुमा रही है. तो ये चक्र घूमने का टाइम है, जैसे वो लक आपकी फेवर में होगा, वो सारे सितारे आसमान में एक अलाइनमेंट में होंगे ताकि कि जो भी आपकी रियलिटी है वो चेंज हो सके. वो कहते हैं ना जैसे वो फिल्मी स्टाइल में कि जैसे सारी कायनात ने मुझे तुमसे मिलाने की कोशिश की है. एक डायलॉग है ऐसा, मैं अच्छे से बोल नहीं पाई, बट एनीवेज द व्हील गाइज, ये डेस्टिन्ड चेंज है. अगर ये प्यार मोहब्बत इश्क के बारे में भी है तो इसमें भी मुझे बहुत पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है. बहुत अच्छा हफ्ता आपका बहुत अच्छा रहने वाला है, पॉसिबिलिटीज बहुत हैं. मैं अगेन कहूँ ये प्रिडिक्शन नहीं है. मेरे कमेंट सेक्शन में आके ये मत कहना कि अरे मैम ऐसा तो हुआ नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं हुआ क्योंकि आपने मैनिफेस्ट नहीं किया. मैं आपको कह रही हूँ कि ये पॉसिबिलिटीज हैं जो कि आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं. ये एक्सपेंशन आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, लाइफ पर्पस के साथ जुड़ सकते हैं. अच्छे से रोमांटिक जो भी आपका रिलेशनशिप है, हेल्दी तरीके से उस ये हफ्ते में आप कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं. और आपको ये विश्वास भी दिया जा रहा है कि आप और आपके जो चाहने वाले हैं वो सुरक्षित हैं. और यहाँ पर ये कन्फर्मेशन है, आखिरी कन्फर्मेशन, कि जो भी चीज़ें हो रही हैं वो आपके ही भले के लिए हो रही हैं. आपकी डेस्टिन चीज़ें हैं आपके लिए, ये आपकी डेस्टिनी के साथ आप अलाइन कर रहे हैं, इसीलिए चीज़ें हो रही हैं. तो ये बहुत खूबसूरत रीडिंग है गाइज. आई डोंट नो, मुझे पता है हालांकि बहुत सारे लोग कार्ड्स को समझ नहीं पाते, लेकिन जो लोग भी टैरो को समझते हैं तो वो उन्हें पता है ये कैसी एनर्जी है. बहुत खूबसूरत एनर्जी. और ये येलो कलर है, जैसे अगेन वो जैसे बाग हो कोई जिसमें अभी फूल खिलने बाकी हैं, वो अभी अपना जैसे एक बाउंड्री क्रिएट कर रही है कि हाँ इस बाउंड्री में अपने मैं बीज को बोऊंगी, ये सीड्स को मैं यहाँ पर रखूंगी और फिर से जल दूंगी, धूप आएगी और वो वहाँ पर ट्री बनेगा. तो वो जैसे एक सीक्रेट स्पेस नहीं होती, आप में से कुछ लोगों के लिए सीक्रेट स्पेस या सीक्रेट स्पेस अपने घर में जहाँ पर भी आप सोते हैं, जहाँ भी आपका कमरा है, वहाँ पर एक सीक्रेट स्पेस बनाकर रखिए ताकि उसकी एनर्जी ना जब भी आप अपने कमरे में बैठे वो आपके साथ अलाइन करे, वो आपके ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़े. एक सीक्रेट स्पेस जहाँ पर आप कैंडल्स लगाएं, वो ऑल्टर होता है ना, जैसे हिंदी में उसको मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, चबूतरा बोलते हैं. आई डोंट नो, शायद चबूतरा बोलते हैं, बट इंग्लिश में ऑल्टर, यू नो, एक सीक्रेट स्पेस आपको बनानी है जहाँ पर आप कैंडल्स लगाएं, असेंशियल ऑयल लगा सकते हैं, सेज यूज़ कर सकते हैं, अगरबत्ती यूज़ कर सकते हैं, इंसेंस, यू नो, तो उसके वो अगर आप बनाएंगे ना, अपने आपका ऑरा क्लीन होगा, क्योंकि ये बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी. इनमें से एक भी कार्ड नेगेटिव नहीं है, एक भी कार्ड गाइज, ये तीनों के, ये पाँचों के पाँचों कार्ड ना बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं. और ये एक्सपेंशन जो वर्ड है ना, इसको अपने दिमाग में बिठा लीजिए. अगर इस पूरी रीडिंग में से कोई एक शब्द आपको लेकर जाना है ना, तो वो ये लेकर जाइएगा, एक्सपेंशन. और फिर देखिए कि ऐसी कौन सी आपकी लाइफ में, ऐसा कौन सा एस्पेक्ट है जिसमें आप एक्सपेंशन होने की संभावना है, जिसमें आप एक्सपैंड कर सकते हैं, जिसमें आप ग्रो कर सकते हैं, तो वो पूछिए अपने आप से, ठीक है. तो ये है रीडिंग मेरे पाइसिस मीन राशि के लोगों के लिए. बहुत खूबसूरत रीडिंग है गाइस. आई विश कि मेरा पाइसिस साइन होता. हालांकि मेरा नहीं है, बट एनीवेज गाइस, मैं आपको बहुत जल्द मिलूंगी आपके नेक्स्ट रीडिंग में. इस रीडिंग को यूज़ कीजिएगा, ठीक है. अब मैं चलती हूँ, बाय बाय.